हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से बारहवीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किस तरह का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद एक्सपर्ट। यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने विषय में एक्सपर्ट्स हैं और ये आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इतनी सारी बातों के साथ हम तो होने वाले ही हैं कामयाब, तो हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई आज के करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड के, यूपी बोर्ड स्पेशल जो चल रहा है, यूपी बोर्ड स्पेशल में निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर जो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी तक जो पीछे आ रखे क्वेश्चंस, उन पे हम करने वाले हैं चर्चा, उन क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या उसका लेवल था और उस लेवल को पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है क्या क्या, किस किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो उसको करने से पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से पहले, इस चैप्टर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं भाई, 5 मिनट में पॉइंट खत्म करते हैं। बाकी इसकी कंसेप्ट वीडियो, इसकी कंसेप्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप इसकी कंसेप्ट वीडियो अगर देख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंसेप्ट वीडियो देखिए, वहाँ पर इसको बिल्कुल इलेबोरेट तरीके से समझाया हुआ इस चैप्टर को, और उसके बाद ये चीज़ें करोगे तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। ओके, तो फिलहाल अगर आपने, आपको इसके फॉर्मुले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं 5 मिनट में रिवाइज भी करवा रहा हूँ फॉर्मुले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि थोड़ा बहुत भूल गए तो मैं 5 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ओके, चलो भाई यहाँ देखते हैं तो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दे रखा है भाई पी और क्यू, दो बिंदु आपको निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है, तो ये ज्यामिति हमारी क्या है, निर्देशांक के आधार पर, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के आधार पर होती है। वहां पर अगर कोई दो बिंदु होते हैं जो पी बिंदु और क्यू बिंदु है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग, ये भी हो सकता है, या फिर उल्टा कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी x1 माइनस x2 का वर्ग और y1 माइनस y2 का वर्ग, और पूरे का जो अंडर रूट होता है, पूरे का जो रूट होता है उसे कहा जाता है p और q के बीच की दूरी। ये दूरी सूत्र था। ठीक है, अगर ये पी बिंदु जो है वो मूल बिंदु से दूरी निकाल जाए, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु वो होता है जो जीरो जीरो होता है। अब मूल बिंदु से दूरी निकालोगे तो मान लो कि मूल बिंदु ये है, तो ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा, तो x1 माइनस में जीरो तो x1 ही होगा, y1 माइनस में जीरो तो y1 ही होगा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मूल बिंदु से, किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो सीधे बस लिख दो एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, बात कर दो। ठीक है, चलो भाई उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं भाई कि कोई P बिंदु है जो A और B को क्या कर रहा है, बीच में से विभाजित कर रहा है, यानी हम कहें कि एक मिनट, कोई रेखा ऐसी है जिसमें बीच में एक P बिंदु है और वो बिंदु A और B को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और किस अनुपात में, M1 गुण अनुपात M2 में कर रहा है, M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग रिलेशन क्या होगा, तब P का मान कितना, P का मान जैसे यहाँ पर x और y है ना, तो इस x का मान कितना होता है, x का मान ये होगा भाई, पहला वाला ये x का मान होगा, यानी ये आपका वो P बिंदु है। ठीक है, जिसमें ये x है और ये वाला y है, ये पूरा ये x हो गया और ये पूरा y हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, ये चीज़ें थी। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना चाहता हूँ मैं, नेक्स्ट हमारे पास था पी और क्यू को जोड़ने वाली रेखाखंड का पी क्यू का मध्य बिंदु। भाई मध्य बिंदु की बात करें तो यानी अगर मैंने वही कहा P और Q है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपको दे रखा है X1 और Y1 और ये दे रखा है X2 और Y2, ठीक है, और ये बीच में दे रखा है आपके पास निर्देशांक निकालना है जो मान लो A है, और A के लिए जो बिंदु आ रहा है तो ये बिंदु आपका निर्देशांक है, ये A के लिए बिंदु आ गया। ठीक है, वो क्या होगा, X1 और X2 को जोड़ा और बटे में दो, भाई वही है, X1 X2 को जोड़ा बटे में दो, Y1 और Y2 को जोड़ा बटे में दो, बस ये चीज़ सीधे आ जाएगा, दोनों संख्याओं को जोड़ना और बटे में दो क्या, उसका मध्य बिंदु निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों जो निर्देशांक हैं ये दे रखे हैं आपको, एक दो तीन, तीन पॉइंट आपको दे रखे त्रिभुज के। अब इन तीनों पॉइंट से आपको इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए एक ये फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है, अब इतना बड़ा फॉर्मूला देखने में था लेकिन इसको मैंने बताया भी था कि भाई कितने आसान तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। तो आसान तरीके से पढ़ने के लिए क्या था, एक बटे दो तो है ही, उसके बाद इसको याद करने के लिए क्या याद करना था, इन तीनों को याद करने के लिए क्या था, तो ये आपको सिर्फ याद करना है 23, 31 और 12, ये चीज़ याद रखना था 23, 31, 12। 23 क्या है, वाई टू वाई थ्री,
31 वाई थ्री वाई वन और वाई वन वाई टू, इस सबसे 12 हो जाएगा, ठीक है, और इनके बीच में माइनस होता है। बाकी जो याद करना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो वो तो वही है 1 2 3 डायरेक्टली है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे लिखना है, तो वो डायरेक्टली लिख दो, बात खत्म। तो इस तरीके से इसको आसान तरीके से याद किया जा सकता है। तो ये क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर देखा, अगर ये तीन बिंदु समरेखीय होता है, समरेखीय मतलब क्या होता है कि अगर एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ जाए, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए, तो उसे कहा जाता है समरेखीय कहा जाता है, ठीक है। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ गई है, अब एक ही रेखा पर आ गई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, क्षेत्रफल कुछ भी नहीं होगा। तो सेम चीज़ जो हमने पिछली बार क्षेत्रफल लगाया था उसके बराबर में जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसके बराबर में जीरो लिख सकते हैं, यानी कि तीन अगर समरेखीय बिंदु होते तो उनका क्षेत्रफल जीरो होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो जीरो होता है और दूसरा क्या होता है, जैसे कि ए बी और सी है, तो समरेखीय का एक और लॉजिक होता है कि ए बी प्लस में बी सी बराबर में ए सी होगा, अगर ये कंडीशन होती है तब भी समरेखीय होगा, या फिर एक होता है कि तीनों बिंदु जो होते हैं, मतलब कि इसका क्षेत्रफल निकाल के बराबर जीरो लिखो तब भी जीरो होता है, मतलब इसके बराबर जीरो होता ही, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है समरेखीय की, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, ओके। चलो भाई ठीक है, इसका भी इसको भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, इसको नोट कर लेना, बाकी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, तो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास देखा बहुविकल्पीय प्रश्न, तो आपको बताना चाहूँ इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो आते आते हैं, कन्फर्म आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई ये क्या है, तो यहाँ पर देखो हम जो भी क्वेश्चन आप क्या रखें, सो क्वेश्चन क्या आते हैं, सिंपल भी बहुत आते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सबको लेकर चलेंगे भाई, जो आए हम तो सारे ही करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, चित्र में बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भाई ये चित्र आपको दिख रहा है, इसमें पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब P के निर्देशांक जो भी हमें मालूम है, जो भी निर्देशांक होते हैं, पहला होता है X और दूसरा होता है Y, ये चीज हमें कंफर्म याद रखनी है, ठीक है। पहला होता है X, दूसरा होता है Y। अब इस P की बात करें तो यहां पर X का मान कितना है, तो X का मान है -3 और Y का मान है कितना, -2, ये दो चीज आ रही है। तो यहां पर हम कहते हैं -3 और -2 कौन सा है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट करेक्ट हो जाता है, ओके, थर्ड पार्ट करेक्ट हो जाता है। चलो भाई आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैं दे रखा भाई, चित्र में पी के निर्देशांक, देखो ये 2019 का रखा है और इससे पहले वाला जो था 2020 का क्वेश्चन था, ठीक है, 2019 में भी सेम टू सेम आ रखा है। तो इसमें क्या क्या रखा भाई, पी के निर्देशांक फिर से देखते हैं भाई, पी में पहला एक्स होता है जो कितना होगा, 2 होगा, और दूसरा वाई होता है, वाई कितना है, -3 है, ये चीज़ है ना, 2 और -3 कहाँ है आंसर, तो 2 और -3 पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष दूरी याद करनी है। भाई एक्स अक्ष जैसे कि मैंने बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, इसमें अगर बिंदु की बात करें, एक्स -3 है और वाई 4 है, एक्स -3 है, -1, -2 और -3 है, और 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। अब यहाँ से बिंदु की बात करें तो -3 से ऊपर लेके जाएंगे, 4 से इधर लेके जाएंगे, और यहाँ पर ये बिंदु आ रहा है, और ये बिंदु आपको दे रखा है -3 और 4 दे रखा है, भाई ऐसे बिंदु निकालते हैं, ऐसे बिंदु बनता है। अब इसने कहा एक्स अक्ष दूरी कितनी है, तो एक्स अक्ष दूरी, ये एक्स अक्ष है, इससे दूरी कितनी है, तो इतनी दूरी है, इतना कितना है, तो 4 है। तो याद रखना जब भी एक्स से दूरी पूछे तो यहाँ पर जो वाई होगा वही एक्स से दूरी होगी, अगर पूछता वाई से दूरी कितनी है तो जो एक्स का मान है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक्स से दूरी क्या रखा है, तो कितनी आएगी, 4, तो यहाँ पर आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई इसको हम इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिंदु 3, 4 दे रखा है, वाई अक्ष दूरी कितनी है, फिर से क्या है, वाई अक्ष कितनी दूरी है, फिर से मैं वही चीज़ कर देता हूँ, एक्चुअली 3, 4 कहा है इसमें, तो हम इसी को कर देते हैं थोड़ा सा इरेज, 3, 4 मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसा है, बिंदु है 3, 4, एक्स का मान 3, वाई का मान 4, मतलब बिंदु यहाँ पर आएगा भाई, ऐसा कुछ आएगा, एक्स का मान 3 और वाई का मान 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसने कहा है वाई अक्ष से दूरी बोलिए, वाई अक्ष कौन सा है, ये वाला, एक्स से दूरी कितनी होगी, तो मैंने अभी बताया था जब वाई अक्ष से दूरी कहे तो एक्स का मान लिख दो, मतलब 3 आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना, 3 आंसर आ जाएगा, 3 कौन सा है, तो 3 इकाई, ये 3 इकाई आ जाएगी, ओके, वो टिक पिछले वाले क्वेश्चन का लगा हुआ था, यहाँ पर 3 इकाई आ गई क्योंकि 3 की दूरी आ रखी है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो भाई आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैंने देखा है भाई, बिंदु ये और ये के बीच की दूरी निकालनी है। भाई इसको मैंने माना ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, ये आ गया X1 और ये आ गया Y1, ये आ गया X2 और ये आ गया Y2, ये चीज़ होता है,
ठीक है। अगर मुझे पी क्यू की दूरी ज्ञात करनी है तो क्या होगा, ये तो ये वही फॉर्मूला लगेगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे होता है ठीक है, या फिर एक्स वन माइनस एक्स टू, यानी मैं एक्स वन माइनस एक्स टू करूँगा तो पाँच माइनस में माइनस बार आएगा इसका वर्ग, प्लस में जीरो माइनस में जीरो का वर्ग, भाई ऐसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बारह पाँच सत्रह का वर्ग हो गया, और प्लस में जीरो का वर्ग लिखने की जरूरत तो है नहीं ठीक है, सत्रह का वर्ग वर्ग से कट जाएगा तो ये सत्रह आ जाएगा, यानी हम देख सकते हैं पी क्यू के बीच की दूरी कितनी आ रही है, सत्रह आ रही है, और सत्रह कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आता है। ओके चलो भाई इसको नोट कर लीजिए, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका 2019 का ही क्वेश्चन है, फिर से 2020 का क्वेश्चन, बिंदु तीन चार के मूल बिंदु से दूरी कितनी है। अब देखो मूल बिंदु से दूरी, अब मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु हमें पता है जीरो और जीरो होता है, यही होता है, इससे इसके बीच की दूरी निकालनी है तो कितना होगा, किसी भी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे ठीक है, इसका मान मतलब पी मान लिया, इसको मैंने ओ मान लिया, अगर पी ओ की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है और ओ आपका मूल बिंदु है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी पी है उनका वर्ग करके जोड़ दो, तीन का वर्ग प्लस में चार का वर्ग, यही हमने अभी फॉर्मूला जो पढ़े थे उसके अंदर भी था, ये तीन का वर्ग प्लस में चार का वर्ग आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं नौ प्लस में सोलह, और ये आ जाएगा पच्चीस, और ये आ जाएगा पाँच ठीक है, मतलब इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी आ गई है, पाँच आ गई है, पाँच कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आता है। ओके चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है बिंदु ये और ये को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने देखा था भाई, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में दो था, और वाई वन प्लस वाई टू बटे में दो था, यही था। अब हमें मालूम है ये है एक्स वन और ये है वाई वन, ये है एक्स टू और ये है वाई टू, ये चीज़ हो गई ठीक है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। अब इसका मध्य बिंदु ऐसे निकाला जाता है, तो ऐसे निकाला जब जाता है तो कैसे निकलेगा भाई, तो माइनस टू माइनस टू बटे में दो, यही होगा। y की बात करें छः प्लस में दस, ये चीज़ आ जाएगा। अब इसमें देख पा रहे हैं माइनस टू माइनस टू माइनस चार बटे में दो आएगा, और छः चार सोलह बटे में दो आ रहे हैं ठीक है। अब p के मान की बात करें तो ये आएगा माइनस टू और ये आएगा आठ, यानी आंसर क्या आ रहा है, माइनस टू और आठ जो है वो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है, यानी माइनस टू आठ कहाँ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारे पास। चलो भाई इसको नोट कर लीजिए, आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई फॉर्मूले बस आपको बताना चाहिए, चीज़ें आराम से मज़ेदार तरीके से मज़े में आने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। चलो भाई इसमें देखा भाई सात छः माइनस छः तीन चार को मिलाने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से एक अनुपात दो के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु निम्नलिखित में से स्थित है, मतलब इनमें से किस में स्थित है ठीक है ना। पहले तो हम क्या करते हैं इसको बनाने, ये ऐसा कुछ है। अब ये जो तुम्हारे चतुर्थांश होते हैं ठीक है, ये पहला कहाँ होता है, तो पहला आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा यहाँ आएगा, और चौथा ये होता है ठीक है। हमें मालूम है यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव, यानी इसमें दोनों चीज़ पॉजिटिव होती है। इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव होता है एक्स वाला, और वाई वाला पॉजिटिव होता है मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आता है। इसके अंदर दोनों चीज़ें नेगेटिव आती हैं, सॉरी इसके अंदर, हाँ दोनों चीज़ें नेगेटिव आती हैं। इसके अंदर कहा जाए तो एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ये चीज़ें होती हैं। अब हमें देखना है भाई इसका जो एक अनुपात दो में विभाजन हो रहा है, जो बिंदु आ रही है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इसमें क्या है, ये आपका है एक्स वन और ये है वाई वन, ये है x2 और ये है y2, और ये आ गया m1 और ये m2 आ गया, ये चीज़ था। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या आ रहा है तुम्हारे पास, तो फॉर्मूला x जो आपको निकालना है, जो बिंदु जो इसको बीच में से विभाजित करेगी वो बिंदु निकालना है, तो क्या होता है m2 के साथ x1 का गुना होता है, m2 के साथ x1 का, यानी दो के साथ x1 होगा, दो गुने में सात आएगा प्लस में, फिर क्या होगा एक का होगा तीन से होगा, एक गुने में तीन आएगा और नीचे आ जाएगा एक प्लस में दो, यही फॉर्मूला था हमारे पास भाई। एम वन एम टू का ऐसी फॉर्मूला था भाई, दो को हम एक्स वन से करेंगे और एक को करेंगे एक्स टू से करेंगे, इस तरह की सोची थी। चलो भाई ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ रहा है, सात दूनी चौदह प्लस में तीन बटे में तीन, यानी चौदह तीन सत्रह बटे में तीन आ रहा है, यानी कि एक्स का मान आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, ये जो है आपका पॉजिटिव में आ रहा है ठीक है। एक्स का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब या फिर फर्स्ट में होगा या फिर फोर्थ में होगा, कन्फ्यूजन। फिर हम निकालते हैं वाई का मान, वाई का मान निकालने के लिए फिर से वही चीज़, वाई को देखेंगे, दो को हम माइनस छः से करेंगे और एक को करेंगे चार से,
दो को किया माइनस छः से, प्लस में एक को किया चार से, और बटे में कितना आ रहा है, तो बटे में आ रहा है एक प्लस में दो। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं छः दूनी बारह माइनस बारह प्लस में चार माइनस आठ बटे में तीन आ रहा है, और ये आ गया आपका नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस में आ रहा है, चौथे चतुर्थांश में आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सिर्फ चौथा निकालना है कि भाई चौथे चतुर्थांश में इसका आंसर आ रहा है, ओके। क्योंकि इसने पूछा ही था भाई इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये नहीं पूछा क्या है स्थिति, इसने पूछा कहाँ पर है, तो कहाँ पर, तो चौथे चतुर्थांश में है, बस मामला ख़त्म यहीं पे, ओके। चलो भाई ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा भाई, अब देखो ये तो हो गया एमसीक्यू खत्म, अब उसके बाद आते हैं हमारे अति लघु प्रश्न, भाई जो छोटे प्रश्न थे उसकी बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2020 का क्वेश्चन है, तो 2020 के क्वेश्चन की बात करें तो वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है, दूरी 10 मात्रक है, मतलब इनके बीच की दूरी 10 दे रखी है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि वाई का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये जो लाइन है, एक बिंदु तुम्हें दे रखा है पी बिंदु जो कि है 2 और 3 माइनस तीन, और ये है क्यू बिंदु, और ये दे रखा है 10 और वाई। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 10 की दे रखी है, इसकी दूरी 10 दे रखी है, यानी हमें पी क्यू का मान 10 दे रखा है, ठीक है। और हमें निकालना है इस वाई का मान ज्ञात करना है। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारा क्या है, तो ये तो हमें 10 दे रखा था, इसको मैं फिलहाल इरेज कर देता हूँ। ये एक्स वन है और ये एक्स टू है, सॉरी वाई टू वाई वन है, ये है एक्स टू और ये वाई टू है, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब पी क्यू के दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी निकालने का वही सूत्र, एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 10 में से जाएगा 2, और फिर वाई टू माइनस वाई वन मतलब कि वाई में से जाएगा माइनस होगा माइनस 3, यही होगा, और ये दे रखा है 10 दे रखा है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर भाई दोनों तरफ वर्ग किया गया, वर्ग करते ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इधर का रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, 8 का वर्ग बच गया प्लस में y प्लस 3 का वर्ग बच गया, बराबर में 100 आ गया, ठीक है भाई आ गया। इस 8 के वर्ग मतलब 64 जो है उसको उठा के दूसरी तरफ लेंगे, इसका वर्ग खोलेंगे, y प्लस 3 का वर्ग खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 6y हो जाएगा, अब बराबर में 100 माइनस में 64 आ गया, ठीक है भाई। इस 64 को उठा के उधर माइनस कर दिया, इसको खोल दिया, डन। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं वाई का वर्ग प्लस में 6y है और 3 3 9 है, 9 को इधर जाके माइनस करेंगे तो ये घट के कितना 36 आ रहा है, 36 में से जब 9 जाएगा तो 27 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं उस 27 के इधर लाएँ तो माइनस 27 आ जाएगा, ये जाएगा, ये 36 था, 36 उठा के इधर लाएंगे तो माइनस 36, 36 में 27 9 गया तो 27 बच गया, ठीक है। चलो भाई अब इसको करते हैं फैक्टर, भाई फैक्टर कैसे होगा, तो हम कह सकते हैं भाई इसको कैसे तोड़ा जाए, तो तोड़ने के लिए आप 9 3 27 कर ही सकते हैं इसको, y का वर्ग प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस में 27 बराबर में 0, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है भाई। 9 3 27 आ रहा है, माइनस का 27, ठीक है, और 9 में से 3 गया 6 भी आ रहा है, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो आपको ये भी फैक्टर करना, गुणनखंड करना भी आना चाहिए, कहीं भी लग सकता है ये, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं भाई y को यहाँ पर कॉमन ले लिया, y कॉमन लेती है y प्लस 9 आ रहे हैं, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन ले लिया ये भी y प्लस 9 आ रहे हैं, यहाँ पर देख लिया हमने y माइनस 3 लिख लिया और ये y प्लस 9 को एक साथ लिख दिया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ से y का मान ज्ञात करते हैं तो y का मान क्या होगा, y माइनस 3 बराबर में 0 आएगा और y प्लस 9 बराबर में 0 आएगा, और यहाँ से y का मान आ रहा है 3 या फिर y का मान आ रहा है माइनस 9, ठीक है। y का मान या फिर 3 होगा या फिर माइनस 9 होगा, दोनों कंडीशन में इसकी दूरी जो होगी वो 10 मात्रक ही होगी, ठीक है। तो यानी मेन चीज़ क्या है, ये जो पी क्यू का दूरी आपको 10 दे रखा था उसके दूरी के सामने 10 लिख दो और इसको सॉल्व करते जाओ, y का मान जो भी आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि यदि बिंदु एक्स वाई इन दोनों बिंदुओं से समदुरुस्त है तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक समीकरण जैसा बन के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब इसका संबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर हल में आ जाते हैं, तो आपको जैसे कि ये दे रखा है आपके पास,
एक बिंदु दे रखा है, मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बिंदु दे रखा है जो कि क्या है एक्स और वाई है, और यहाँ दो बिंदु हैं, एक है 3 6 और एक दे रखा है -3 और 4। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और ये बिंदु आपके ऐसे हो गए, ये हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रखा है कि ये है समदुरुस्त है, समदुरुस्त है। समदुरुस्त मतलब क्या होगा, हल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ए बी बराबर में ए सी, ये चीज़ हमें दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया हुआ है ए सी, ए बी बराबर में ए सी। अब ये हमें दे रखा है ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी में दूरी का सूत्र लगेगा। अब दूरी का सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट में एक्स माइनस में 3 का वर्ग, यही होगा एक्स माइनस में 3 का वर्ग, और वाई माइनस में 6 का वर्ग, यही हो जाएगा वाई माइनस में 6 का वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ए सी की बात करें तो ए सी में क्या होगा, तो भाई वही एक्स माइनस में 3 का वर्ग मतलब -3 हो जाएगा, यानी एक्स माइनस में -3 मतलब +3 हो जाएगा। ठीक है, और वाई माइनस में 4, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, ये आगे हमारे पास दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, डन। अब इसके वर्ग को खोलते हैं, तो वर्ग को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ रहा है एक्स का वर्ग, देखो इसका वर्ग खोलेंगे तो ये आएगा एक्स का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में सॉरी माइनस में आएगा 2ab आएगा, मतलब 2 × 3 मतलब 6x लिखा जा सकता है प्लस में। ठीक है, y इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, y का वर्ग खोलेंगे तो y का वर्ग आएगा प्लस में 6 का वर्ग माइनस में 6 × 12y आएगा। ठीक है, इसके बराबर में इधर करना चाहें तो x का वर्ग आएगा प्लस में 3 का वर्ग आएगा और प्लस में 2ab मतलब 6x हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये आ रहा है कितना, वाई का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग और माइनस में 8y हो जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ओके, अब जो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, क्या क्या कट रहा है, तो हम देख पा रहे हैं x के वर्ग से x का वर्ग कट गया, y के वर्ग से y का वर्ग कट गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 × 9 और 6 × 36, 9 और 36 आ रहा है, 9 आ रहा है माइनस में 6x है प्लस में 36 है माइनस में 12y है। ठीक है, इधर की बात करें तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है प्लस में 6x है प्लस में 16 है माइनस में 8y है। भाई ये चीज़ें हमारे पास आ गई है सामने। ओके, अब जो कट रहा है उसे काटते हैं, जैसे 9 से 9 कट गया। ठीक है भाई, 9 से 9 कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, तो बाकी को सबको एक तरफ ले आते हैं। एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 6x को पूरे को उधर लाते हैं तो 8y इधर आके प्लस का 8 हो जाए, फिर इसी को उधर ले आते हैं, इधर 0 कर देते हैं, इधर 6x था। ठीक है, इस -6x को उठा के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो प्लस में 6x आएगा, प्लस में 16 था यहाँ पे, इस 36 उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 36 आएगा। ठीक है, और इधर में -8y है, इस -12y को उठा के उधर लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में 12y आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई ये कितना आ रहा है, तो 12x आ रहा है, 16 में से 36 गया माइनस 20 आ जाएगा, और 8y में से 12y गया तो प्लस में 4y आ जाएगा, और बराबर में 0 आ गया, डन। अब यहाँ से 4 को कॉमन लेते हैं, अब 4 यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हो तो कितना हो जाएगा, 4 कॉमन लेते ही आ जाएगा 0 बराबर में 3x माइनस में 5 प्लस में y आ जाएगा। भाई 4 इसके साथ कॉमन आ गया, ऐसे भाई 4 कॉमन आ गया, 4 को 0 के नीचे ले जाओगे 0 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या संबंध आ गया तुम्हारे पास, तो ये आ गया 3x प्लस में y, और माइनस में 5 इधर ले आएंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, यानी x और y का ये संबंध आपके पास आ गया कि 3x प्लस y करोगे तो बराबर में 5 आएगा, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर क्या है, एक समीकरण के का ही समीकरण ही आई है इसका, आएगा इसका आंसर जब आपको x और y दोनों ही नहीं दिए हुए, तो दोनों को समदुरुस्त कहा है तो दोनों को समान दूरी पर करना है, और फिर सॉल्व करते जाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई, अति लघु प्रश्न में ही है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे और इसको मिलाने पर मिलाने में रेखा 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या कहा गया है कि एक लाइन ऐसी खींच रखी है जिसमें एक बिंदु यहाँ पर है जिसको मैंने पी बिंदु मान लिया है, -1 और 7 है। ठीक है, दूसरा बिंदु यहाँ पर क्यू मान लिया गया है जो कि 4 और -3 है। ठीक है, तीसरा बिंदु बीच में है जो कि दे रखा है, जो कि हमें निकालना है, जिसको मैंने ए मान लिया, एक्स और वाई हो गया। ठीक है, और ये आ रहा है तुम्हारा 2:3 में बटा हुआ है, 2:3 में बटा हुआ है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है आपका x1 और ये है y1, ये है x2, ये है y2, और इसको कहोगे ये m1 है और ये m2 है।
ठीक है, और x निकालना है, ये बीच का बिंदु निकालना है। अब x के लिए मैं हल के लिए बताऊं, x में बताऊं, तो x का फॉर्मूला क्या था, तो ये था हमारे पास m2 x1 प्लस में m1 x2 बटे में m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला था भाई, यही फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो m2 कितना है, तो तीन है, तीन को गुना किया हमने माइनस एक से, ठीक है, प्लस में दो को गुना किया चार से, और बटे में क्या आ गया, तीन प्लस में दो आ गया, m1 प्लस m2 आ गया। ठीक है, इसको जब जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो माइनस तीन प्लस में आठ बटे में पाँच आ जाएगा, और ये आ रहा है पाँच बटे में पाँच, और इसको अगर मैं काट देता हूँ तो ये आ जाएगा एक, यानी x का मान आ गया एक। ठीक है, x का मान एक आ गया, डन। चलो भाई, अब y की बात करें तो y निकालेंगे, तो y कैसे निकलेगा, तो y में भी सेम फार्मूला लगेगा। सेम फार्मूला क्या है हमारे पास, m2 y1 m1 y2 और बटे में आ जाएगा तुम्हारा m1 प्लस m2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या चीज आएगा यहाँ पर, यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई तीन गुने में सात आएगा, तो भाई लिखा हमने तीन गुने में सात। एक चीज़ याद रखना, दूर वाला दूर से ही गुना होता है, बस ये चीज़ याद रखना, तीन को गुना किया सात से और दो को गुना किया माइनस तीन से। ठीक है भाई, दो गुने में माइनस तीन है, और बटे में क्या आएगा, तो बटे में एम वन प्लस एम टू मतलब दो प्लस तीन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं सात या इक्कीस और तीन दूनी छः और बटे में पाँच आ गया, इसको लिख सकते हैं पंद्रह बटे में पाँच, और इसको अगर मैं काटता हूँ तो पाँच या पंद्रह कट जाएगा और तीन आंसर आ जाएगा, यानी वाई का मान कितना आ गया, तीन आ गया, वाई का मान तीन आ गया और एक्स का मान एक आ गया, यानी कि इसके जो निर्देशांक ज्ञात करने थे हमें, क्या निर्देशांक ज्ञात करने थे, वो निर्देशांक क्या आ गया है, तो उसका आंसर आ गया है, जो निर्देशांक आंसर है वो है एक और तीन। ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ चुका है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अनुपात दिया रहेगा तो उस तरह से हम निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड 2019 का है। ठीक है, चलो भाई आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्या है, ए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां ए बी वृत्त का व्यास है। अब देखो वृत्त का व्यास दे रखा है ए बी, और ए के निर्देशांक ज्ञात करने जिसका केंद्र दे रखा है दो माइनस तीन, और बीज के निर्देशांक ये दे रखे, मतलब मैं इसके चित्र बनाऊं तो एक वृत्त हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है, इसका केंद्र ये हो गया और यहाँ से ये इसका व्यास हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने इसको ए लिया, ये बी लिया और ये ओ कर दिया, ओ मतलब केंद्र, केंद्र कितना है दो माइनस तीन। ठीक है, बी की बात करें तो ये कितना है, तो एक और चार है, ये चीज़ हो गया हमारे पास। ठीक है, ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ये एक निर्देशांक एक्स और वाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें पता है ये क्या है, मध्य बिंदु है भाई, व्यास का मध्य बिंदु तो होता है केंद्र, तभी तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, मध्य बिंदु होता है। ठीक है, हल में आते हैं, यहाँ पे ओ ओ जो है, अरे क्या था, ए बी का केंद्र है या मध्य बिंदु है, ठीक है भाई, इसमें क्या रखा है, ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तब क्या होगा भाई, तब ये होगा कि ओ के जो निर्देशांक हैं, तब हम कह सकते हैं जो दो है ये किसके बराबर होगा, दो, तो एक्स प्लस में एक बटे में दो के बराबर होगा, यानी दो जो होगा वो एक्स प्लस में एक बटे में दो के बराबर होगा, डन। और वाई की बात करें तो वाई कितना होगा, तो माइनस तीन जो बराबर होगा वाई प्लस में चार बटे में दो के बराबर होगा, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, दो को इधर गुना किया, दो दूनी चार आ गया, बराबर में एक्स प्लस में एक आ गया है, और यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो तीन आ जाएगा, एक्स का मान तीन हो गया। यहाँ से बात करें तो तीन दूनी छः आएगा, बराबर में वाई प्लस में चार आएगा, इस चार को इधर भेजेंगे तो वाई बराबर में आ जाएगा माइनस दस। ठीक है भाई, वाई का मान माइनस दस हो गया और एक्स का मान तीन हो गया। ठीक है, तो यानी ए के निर्देशांक क्या होंगे, तो बिंदु ए क्या आ रहा है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है तीन और माइनस दस, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, तो इस तरह से ये वृत्त को भी रिलेट करके क्वेश्चन दे सकता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी आपका यूपी बोर्ड 2019 का ही क्वेश्चन है, तो आते हैं नेक्स्ट पे।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक रेखा वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदु पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। यदि इस बिंदु, ये बिंदु जो है पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो पी क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पर ये हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है जो होता है हमारे पास ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है, ऐसे ही है। अब इसने ये कहा है कि एक्स और वाई अक्ष को पी और क्यू पर काट रहा है, तो एक्स पर क्या, सॉरी वाई पर पी है, पी बिंदु है, और एक्स पर क्या है, क्यू बिंदु है। इसको एक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है भाई, इतनी बड़ी रेखा नहीं खींचते हम, जितनी कही है उतनी खींच देते हैं, इसको मिला दिया हमने, ठीक है, पी और क्यू पर करती है। यदि दो और माइनस पाँच जो है, दो और माइनस पाँच किससे आएगा भाई, इधर बिंदु नहीं है, दो और माइनस पाँच इधर आएगा, दो और माइनस पाँच यहाँ नीचे आएगा, तो यानी मैं यहाँ कर देता हूँ, ये बिंदु को ऐसे मिलाया गया, और यहाँ पर कोई बिंदु है जो कि है दो और माइनस पाँच है। जब फिगर बनाओगे तो ठीक से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज बिना फिगर बनाए भी ये सॉल्व हो सकता था। फिलहाल यहाँ पे क्या, दो और माइनस पाँच आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसने कहा है ये पी क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब मैं अगर इसको मानता हूँ एक्स वन वाई वन और ये आएगा एक्स टू वाई टू, ठीक है, उस अकॉर्डिंग ये इसका मध्य बिंदु है। अब तुम्हें बता दूं कि वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है उसका एक्स हमेशा जीरो होता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर वाई अक्ष है तो इसमें एक्स तो बढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पर इसको जीरो लिखा जाएगा, जीरो वाई वन होगा, ठीक है। इसकी बात करें एक्स अक्ष पर जो होता है, एक्स अक्ष पर वाई जीरो होता है, तो वाई जीरो होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जीरो आ गया, डन। अब हम देखेंगे भाई, हमें पता है कि ये मध्य बिंदु है, मतलब x1 प्लस x2 बटे में दो बराबर में ये बिंदु आएगा, यानी यहाँ पर हम हल में कह सकते हैं जो ये बिंदु को हमने लिखा हुआ है इसको O बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है बिंदु O PQ का मध्य बिंदु है, ठीक है, वो जो है वो पी क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है। चलो भाई मध्य बिंदु है, उस अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई, एक्स ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स टू प्लस में जीरो बटे में दो बराबर में क्या आएगा, दो आएगा भाई, यही दो आएगा, जीरो प्लस में एक्स टू बटे में दो जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस दो को उठा के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूनी चार आ जाएगा, यानी एक्स टू का मान चार आ गया। वहीं मैं यहाँ पर करूँ वाई के साथ तो वाई में क्या होगा, तो वाई वन प्लस में जीरो बटे में दो बराबर में माइनस पाँच आ रहा है। इस दो को उधर भेजेंगे तो वाई वन का मान कितना हो जाएगा, माइनस दस हो जाएगा, ये आ गया, वाई वन का मान माइनस दस हो गया और वाई एक्स टू का मान कितना हो गया, चार हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई पी और क्यू, तब पी बिंदु आपका क्या आएगा, तो पी बिंदु है जीरो और वाई वन है, मतलब कि जीरो और माइनस दस आएगा, और क्यू बिंदु जो आएगा वो आएगा चार और जीरो आएगा, एक्स टू और जीरो है ना, तो चार और जीरो आ जाएगा। तो ये इसके आंसर हो गए दोनों, जो पी और क्यू के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड 2019 में ही पूछा हुआ था, ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वृत्त का व्यास ए बी, ए बी व्यास दे रखा है, वृत्त का त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब त्रिज्या भी ज्ञात करनी है और केंद्र के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का ही हो जाएगा, यहाँ पे ये हमने वृत्त बनाया, ये केंद्र हो गया, ये हो गया व्यास, ठीक है, इसमें मैंने मान लिया इसको ए, इसको मान लिया बी, और ए बिंदु हमारे पास दे रखा है कितना, माइनस दो और माइनस सात, ठीक है, बी बिंदु हमें दे रखा है एक और माइनस ग्यारह, ठीक है, ये ओ बिंदु है, ये नहीं पता जो कि एक्स और वाई होगा, ठीक है, और ये त्रिज्या है जो कि आर होगी, डन, ये चीज़ें हमारे पास, ठीक है। इसके हल पर आते हैं, जैसा कि हमें पता है ओ जो है वो ए बी का केंद्र है, अगर ओ ए बी का केंद्र है तो भाई इसका मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा, मध्य बिंदु लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई ओ जो है ए बी का केंद्र है, ठीक है भाई, ओ जो है वो ए बी का केंद्र है। अब उस अकॉर्डिंग देखा जाए तब हम कह सकते हैं एक्स बराबर में कितना आएगा, तो माइनस टू प्लस में एक बटे में दो आएगा, यानी हम कह सकते हैं माइनस एक बटे दो,
ये एक्स वन आ गया, एक्स आ गया आपका, ठीक है। वाई की बात करें तो वाई कितना आएगा, तो वाई आएगा हमारे पास माइनस सात प्लस में माइनस ग्यारह बटे में दो आएगा भाई, यही चीज़ आएगी। इसको कह सकते हैं हम सात ग्यारह अट्ठारह, माइनस अट्ठारह बटे में दो, यानी आ रहा है माइनस नाइन आ रहा है, डन, माइनस नाइन आ गया। यानी यहाँ हमने देख लिया x का मान आ गया माइनस एक बटे दो और y का मान आ गया माइनस नाइन, ये चीज़ आ गई। अब ये तो हमारे केंद्र, जो केंद्र कितना आ गया हमारे पास, केंद्र जो आ गया है O जो आया है वो आया है माइनस एक बटे दो और माइनस नाइन, ये तो केंद्र आ गया, ठीक है। अब त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या की बात करें तो ये R आएगा और ये क्या होगी, इन दोनों की दूरी होगी, जो इसकी ये बिंदु दे रखा है इसकी दूरी होगी। अब इसकी दूरी की बात करें तो दूरी कितना हो जाएगा, ये भाई एक माइनस में एक्स, यही होगा एक माइनस में एक्स, और एक्स का मान कितना है तो माइनस एक बटे दो, यही है, तो प्लस हो जाएगा, ये इसका वर्ग होगा, ठीक है। उसके बाद होगा माइनस ग्यारह माइनस में वाई, माइनस ग्यारह माइनस में वाई, माइनस ग्यारह माइनस में वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये नाइन आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से हम देख सकते हैं आर का मान कितना आ रहा है, तो भाई एक में आधा जोड़ोगे तो तीन बटे दो आएगा, तो तीन बटे दो का वर्ग होगा, प्लस में ग्यारह में से नौ गया कितना बचेगा, दो बचेगा, तो माइनस दो का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं भाई कितना आ रही है, तीन तीन नौ बटे में चार हो जाएगा, प्लस में चार आ जाएगा और चार चक सोलह और नौ पच्चीस हो जाएगा, पच्चीस बटे में चार आ जाएगा, और जिसको कह सकते हैं पाँच बटे में दो, यानी हम यहाँ का क्या कह सकते हैं, इसकी जो त्रिज्या आ रही है वो पाँच बटे में दो आ रही है, इसकी त्रिज्या आ गई पाँच बटे में दो और इसके केंद्र के निर्देशांक आ गए माइनस एक बटे दो और माइनस नाइन आ गया, ठीक है। चलो भाई, तो यही चीज़ हमें निकालना था, केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने थे और त्रिज्या भी ज्ञात करनी थी, और दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली है, ओके। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि ए बी सी डी ये चार बिंदु आपको दे रखे हैं और वो भी क्या दे रखा है, ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज है उसके शीर्ष दे रखे हैं, इसी क्रम में हों तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो समांतर चतुर्भुज की जैसा होता है, ठीक है, इसमें ए बी सी और डी ये लिख दिया हमने, ए का मान हमारे पास है छः और एक, बी का मान दे रखा है आठ और दो, ठीक है, सी का मान है नौ और चार और डी का मान है पी और थ्री, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया हमारे पास ए बी सी डी, ये चार पॉइंट हो गए। अब हमें कहा है पी का मान ज्ञात करना है और ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज का मतलब देखो क्या है, एक तो समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर का मतलब क्या है कि हम इसकी दूरी को आमने सामने रखें और दूरी निकाल के और इक्वल में रखें और फिर सॉल्व करें, फिर इसको भी रखें फिर सॉल्व करें, फिर दोनों की दो इक्वेशन से सॉल्व करके और पी का मान ज्ञात करेंगे, और ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऐसा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और पता नहीं आपसे निकलेगा भी नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि एक और चीज़ इसमें पता है हमें कि भाई समांतर चतुर्भुज तो इसका केंद्र जो होता है वो एक दूसरे, मतलब इनके जो विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समान भागों, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। यानी कि ए सी का मध्य बिंदु ओ आ रहा है और डी बी का मध्य बिंदु ओ आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ कहेंगे ए सी तथा, ये लिखते हैं पहले, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज में ए सी तथा बी डी एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ओ की बात करें तो ये कितना होगा, ये होगा एक्स और वाई होगा, ठीक है भाई, ओ जो जो पॉइंट है इसका, ये इसका एक्स वाई होगा, ठीक है। अब अगर ये समद्विभाजित कर रहा है मतलब कि इसका केंद्र हो रहा है,
भाई बी डी का केंद्र ओ हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं एक्स का मान कितना आएगा, तो एक्स का मान कहा जाए तो एक्स का मान आएगा पी प्लस में 8/2 आएगा, ये चीज आएगा ठीक है। और एक्स कितना था हमारे पास भाई, एक्स का मान आ रहा है पी प्लस 8/2 आ गया, चलो ठीक है। एक और की बात करें ए सी से, ये तो किससे आया है, ये तो हमारा बी डी से आया है, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, बी डी से क्या हो जाएगा x का मान जो हो जाएगा p प्लस 8/2 आएगा ठीक है। और दूसरे की बात करें भाई ए सी से, अगर मैं निकालूं ए सी से निकालूं ए सी से तो x का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x का मान यहां से करते 6+9/2 आएगा, ये आ गया ठीक है। अब दोनों तो x का ही मान है ना, तो दोनों तो आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं तब पी प्लस 8/2 बराबर में होगा 9/6 15/2, इसके बराबर होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और हम यहाँ पर अब कह सकते हैं इसके बाद से कि पी का मान कितना आ गया, 15 - 8 आ गया, और इस पी का मान हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये पी आपका 7 हो गया, 15 - 8 गया, 7 बच गया, तो 7 इसका आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है भाई 1 2 3 4, अब देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज, लेकिन पिछली बार एक नंबर मिस था, इस बार 2 नंबर मिस है, देखो यहाँ पर वाई मिस है और एक्स मिस है, 2 चीज़ें मिस हो रखे हैं। चलो भाई इसको भी करते हैं, कैसे करेंगे, इसको भी सेम प्रोसेस से ही करेंगे कि बहुत ईजी तरीके से हो जाए, ए बी सी और डी, और ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में ही आ रखा है। तो ये हमारे पास ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है ये 4 और y है, और ये है x और 6 है, और ये है 3 और 5 है। चलो भाई ठीक है, 4 बिंदु हमारे पास हो गए हैं। अब यहाँ पर इसने कह रखा है तो x और y का मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी हमें पता है इसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे होंगे ठीक है। जिसको हमने x और y मान लिया, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ये चीज़ कह सकते हैं ठीक है। इसके हल में आते हैं, इसमें लिखेंगे ओ जो है ए सी तथा बी डी का मध्य बिंदु है ठीक है भाई, ओ जो है वो ए सी और बी डी का मध्य बिंदु है, चलो भाई मान लिया हमने। इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं भाई, चलो देखो एक्स और वाई तो पहले से लिया था, इसका नाम कुछ और ले लेते हैं कुछ और लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, x1 और y1 ले लिया हमने ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं कहूँ कि x1 का मान ज्ञात करना है, तो x1 का मान किससे होगा, जैसे कि मैं कहता हूँ पहले ए सी से, भाई ए सी की हेल्प से हम कर रहे हैं, तो x1 का मान कितना होगा भाई, ए सी की हेल्प से करें तो x1 का मान x प्लस में 1/2 होगा, तो यह आ जाएगा x प्लस में 1/2 आएगा ठीक है। और BD से की बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसमें X1 का मान जो आएगा BD से, अगर X1 का मान निकाले तो 3+4/2 होगा, यानी 7/2 लिखा जा सकता है ठीक है। AC की ही बात करें, अगर मैं Y की बात करूं तो Y1 कितना आएगा, तो Y1 जो हमारा यहां पर आएगा वो Y1 आएगा हमारे पास 2+6/2 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2+6/2, यानी 6 2 8/2, यानी 4 लिखा जा सकता है। वही यहाँ पर Y1 अगर मैं निकालता हूँ, इस कंडीशन में Y1 निकालता हूँ तो कितना आएगा, 5+y/2 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5+y/2, ये लिखा जा सकता है ठीक है। 5+y1 नहीं, 5+y है ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है, X1 जो X1 के बराबर होगा और Y1 जो है Y1 के बराबर होगा ठीक है, तो इसमें से हम लिख सकते हैं सीधे तब X+1/2 बराबर में क्या होगा, 7/2, और यहां से हम कह सकते हैं 2 से 2 कट गया और X का मान कितना आ गया, 1 उधर जाकर घट जाएगा तो 6 आ जाएगा ठीक है। दूसरी कंडीशन यहां से करेंगे तो कितना आएगा, 2+y/2 मतलब 4 आ रहा है, और बराबर में कितना आ रहा है, 5+y/2 आ रहा है, इस 2 को इधर बैठे भेजेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 इधर आके माइनस होगा, इक्वल टू में y आएगा, और यहां से हम कह सकते हैं y का मान आ गया 3, यानी x का मान 6 आ गया, y का मान 3 आ गया,
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मजे में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई इसको नोट कर लो तुम, ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो दे रखे हैं आपको, ये ए ए और बी प्लस सी है, बी सी प्लस ए है और सी ए प्लस बी है, ये आपको दे रखा है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस ए को मैं इधर ही लिख लेता हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको देखने में, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक त्रिभुज, इसमें पहला ए बिंदु जो दे रखा क्या है, ए और बी सी है, बी प्लस सी है, ठीक है। दूसरे बिंदु की बात करें तो वह दे रखा है मैं बी और सी प्लस ए है, और तीसरे बिंदु की बात करें तो ये आ रहा है सी और ए प्लस बी है, भाई ये चीज़ हो गया। इसमें हम इसके नेमिंग कर देते हैं, कैसे करेंगे, तो ये एक्स वन है और ये वाई वन है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है, और ये एक्स थ्री है और ये वाई थ्री है, ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई हमारी। चलो भाई ठीक है, अब इसमें भाई ए बी सी तुम्हारे पास ये आ रखा है, तो अब इसका निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हाफ था, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये एक्स वन होता है, फिर 23, फिर एक्स टू होता है, फिर क्या था, 31 था, और एक्स थ्री था, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 23, 31, 12 ये चीज़ हो जाएगी। चलो भाई इसको सॉल्व करने के लिए इसमें लिखते हैं, तो 1/2 का 1/2 आ गया। एक्स वन की बात करें तो कितना है, तो ये ए है, वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू कितना है, तो वाई टू है सी प्लस ए, माइनस में वाई थ्री कितना है, ए प्लस बी, ठीक है भाई। एक्स टू की बात करें तो एक्स टू कितना है हमारे पास, तो बी है, और ये कितना आ जाएगा, वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री हमारे पास ए प्लस में बी, और ए वन वाई वन कितना है, बी प्लस सी, प्लस में एक्स थ्री की बात करें तो ये आ रहा है हमारे पास क्या, सी आ रहा है, ठीक है, सी आ रहा है, और वाई वन है हमारे पास बी प्लस सी, माइनस में कितना आ रहा है, वाई टू जो कि सी प्लस ए है, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है, मतलब जो जो वैल्यूज थे उसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखते हैं जो कट रहा है वो काट देते हैं, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोलने पे चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये ए है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा सी प्लस में ए माइनस ए और माइनस बी आएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो बी आ गया, ब्रैकेट खोलेंगे तो ए प्लस में बी माइनस बी और माइनस सी आएगा, ठीक है। इधर सी की बात करते हैं तो ये बी प्लस सी माइनस सी और माइनस सी आएगा, ये चीज़ आ गया टोटल, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काटते हैं, तो क्या कट रहा है, तो ए से ए गया, बी से बी गया और सी से सी गया, ठीक है। और यहाँ हमारे पास आ रहा है क्या, ए ए को अंदर गुणा करेंगे तो ए सी माइनस ए बी होगा, इसको अंदर गुणा करेंगे तो बी ए और बी सी हो जाएगा, ठीक है, इसको अंदर गुणा करेंगे तो बी सी और सी ए हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं भाई कुछ कट रहा है, तो हाँ भाई ए सी से ए सी गया, ठीक है, ए बी से ए बी गया और बी सी से बी सी गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं भाई, कुछ नहीं बचा, मतलब ये पूरा ज़ीरो हो गया, ज़ीरो होने का मतलब इसका क्षेत्रफल आ गया ज़ीरो। अगर इसका क्षेत्रफल जीरो आ रहा है, इस तीनों पॉइंटों का क्षेत्रफल जीरो आ गया, तब ये तीनों बिंदु क्या है, तब ये तीनों बिंदु क्या है, तो ये तीनों बिंदु संरेखी बिंदु है, यानी ये तीनों बिंदु त्रिभुज नहीं बना रहे, एक ही बिंदु पर तीनों पॉइंट है, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ सी होगा, ऐसे बिंदु होंगे, लेकिन इसने संरेखी पूछा नहीं था, इसने सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, और क्षेत्रफल हमने निकाला तो जीरो आ गया, ठीक है। चलो भाई तो आप इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा भाई, यदि बिंदु ए बी सी से बने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 6 वर्ग, मतलब देखो इसमें क्या कहा है, इसमें क्षेत्रफल आपको दे ही दिया है, कितना है, 6 वर्ग इकाई दे रखा है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई बराबर 15, ये हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए फिर से वही चीज़ हमने त्रिभुज यहाँ पर बनाई, ये है आपका a, b, c है, a की बात करें तो ये आपका x और y आ रहा है, b की बात करें तो 1 और 2 आ रहे हैं,
और सी की बात करें तो दो और एक आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसने कहा है त्रिभुज एबीसी के का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल हमें 6 दे रखा है, 6 वर्ग इकाई दे रखा है। ठीक है, 6 वर्ग इकाई क्षेत्रफल दे रखा है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो वही चीज़ हमारे पास, देखो इसमें लिख लेता हूँ यहाँ पे पहले, कि ये आपका है x1 y1 और ये है आपका x2 y2 और ये है आपका x3 y3 आ गया। ठीक है, डन। अब इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले में लिखेंगे तो हाफ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लिख सकते हैं x1 आएगा, तो x1 कितना है, तो x है, और उसके बाद 23 31 12 होता है, मतलब कि y2 कितना है, 2, और y3 कितना है, तो 1 है, प्लस में x2 कितना है, तो 1 आ गया। अब 31 की बात करें तो y कितना है, 1 आ रहे हैं, और y3 1 है, और y1 कितना है, y है। ठीक है, और x3 की बात करें तो कितना है, 2 है, और 12 की बात करें तो y1 मतलब कि y माइनस में 2 आ गया। जी हमने फॉर्मूले पे डायरेक्ट रख दिया है, फॉर्मूला आप लिखोगे उस पर डायरेक्टली रख दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में दे रखा है 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, देखो नीचे वाला 2 जब 6 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा, तो मैंने इधर लिख दिया भाई 12 आ गया। ठीक है, इसको अंदर गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो 2 में से 1 गया तो ये x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 को गुना किया तो 1 आएगा, और y से किया तो माइनस वाई आ गया। ठीक है, इसको अंदर किया तो प्लस में 2 वाई आ गया, और माइनस में 4 आ गया। ओके डन, चलो ठीक है, 1 में से 4 गया तो माइनस 3 बचा, उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो माइनस 3 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो 12 प्लस में 3 आ जाएगा। इधर की बात करें तो माइनस वाई और 2 वाई, कितना बचा, सिर्फ वाई बचा, तो एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई इक्वल टू इतना है, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, x प्लस वाई 15 आ गया, तो ये चीज़ आपकी हो चुकी है। और क्या यही सिद्ध करना था हमें, तो बिल्कुल यही सिद्ध करना था, तो चीज़ें आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर वही है, क्षेत्रफल हमें दे रखा, तो क्षेत्रफल के सामने रख देना है। ओके, और जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसको लिखा लेफ्ट में, उसको सॉल्व करते जाओ, चीज़ें आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीन शॉट लो, और हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी आपका 2019 का ही बोर्ड का है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है अति क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि ये तीन बिंदु जो है वो संरेखी हैं। तो संरेखी के लिए देखो दो चीज़ें बताई थी हमने, एक तो इसका क्षेत्रफल के बराबर 0 लिखो, या फिर किसी भी दो भुजाओं के मतलब किसी भी दो भुजा जो होगी, यानी कि अगर मैंने इसको माना ए, इसको माना बी और इसको माना सी, अगर ए बी प्लस में बी सी बराबर में ए सी आ जाए, या फिर कोई भी दो छोटी भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर आ जाए, तो वो आपका संरेखी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही वाला अपना लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि इसमें माना है ए जो है वो 1, 5 है, बी जो है वो 2 और 3 है, और सी जो है वो -2 और 11 है। ये चीज़ें हो गई, ए बी सी हो गई। चलो भाई ठीक है, अगर मैंने पहले निकाला भाई ए बी कितना है, तो ए बी की दूरी की बात करें तो ये आ जाएगा 2 में से 1 गया, इसका वर्ग होगा, प्लस में 3 में से 5 जाएगा, उसका वर्ग होगा। ये चीज़ होगा, अब 2 में से 1 गया, 1 बचेगा तो 1 का वर्ग आ रहा है, 3 में से 5 गया तो -2 का वर्ग मतलब 4 आ रहा है, यानी कि √5 आ गया। चलो भाई ठीक है, √5 आ गया। दूसरे की बात करें बी सी, बी सी की बात करें तो बी सी में -2 में से 2 जाएगा, इसका वर्ग होगा, 11 में से 3 गया, इसका वर्ग होगा, तो इसको लिख सकते हैं कितना, तो ये लिख सकते हैं 16 प्लस में ये हो जाएगा 8, 64 हो जाएगा, यानी इसको लिखा जा सकता है 64 और 16 80 80 लिखा जा सकता है। ठीक है, 80 लिखा जाता है, तो इसको हम कर सकते हैं कुछ 16 5 80, हाँ जी, इसको लिख सकता है भाई, लिख सकते हैं भाई 4 का वर्ग गुने में 5 लिखा जा सकता है, यानी 4 √5 लिखा जा सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं भाई, 80 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई ये भी आ गया। अब हम देखते हैं भाई ए सी कितना है, ए सी की बात करते हैं तो ए सी में क्या होगा, -2 -1 और 11 -5। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ रहा है, -3 का वर्ग जो कि 9 आएगा, भाई -3 है उसका वर्ग 9 आएगा,
11 में से 5 गया तो कितना बचा, तो 6 बचा, 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा, ठीक है। 36 9 कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है भाई, 36 और 9 45 हो गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं भाई 9 गुने में 45 लिखा जा सकता है, सॉरी 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। 9 गुने में 5, 9 को लिख सकते हैं हम क्या 3 का वर्ग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3√5 लिखा जा सकता है, ठीक है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, तो 3√5 लिखा जा सकता है। तो ये हम हमारा हो गया AC। अभी मैंने कहा था जो बड़ी भुजा होती है वो दो छोटी भुजाओं के योग के बराबर होनी चाहिए, तो क्या AC जो है बराबर में AB प्लस में BC के बराबर है, तो हम देख पाएंगे। ये हमें दे रखा है 4 AC, नहीं AC तो छोटी है, बड़ी भुजा कौन सी है BC है, बड़ी भुजा BC है, तो हम BC लेंगे, ठीक है। BC जो है वो बराबर होगा AB प्लस में AC के बराबर होना चाहिए, क्या है, तो बड़ी भुजा आई है 4√5 और ये जो है वो कितना है AB कितना है 5√5 है और ये आ रखा है 3√5। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4√5 हो जाएगा, ठीक है। 4√5 बराबर में 4√5 आ गया, LHS इक्वल टू RHS, यानी यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तब ABC संरेखीय, ठीक है। चलो भाई डन, ABC हमारा संरेखीय हो जाएगा, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन में दे रखा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए जो कि क्या है, ये तीनों संरेखीय है भाई, तीनों संरेखीय आपको दे रखे हैं, इसमें संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। संरेखीय संबंध ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, संरेखीय में एक तो तरीका पिछला वाला था कि जोड़ के हम बराबर जीरो कर दें, एक होता है क्षेत्रफल वाला तरीका, क्षेत्रफल से निकाल देते हैं तो भी आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई, हल में आते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस और को साथ में लिख देता हूँ, यहाँ पर 7 और 0 है। अब देखो ये क्या है, x1 और y1 है और ये x2 और y2 है और ये x3 और y3 है, ठीक है। ये तीन चीज़ हमारे पास हो गई, अब हमें हल करना है। हल में क्या है भाई, इसको माना a, ये b और ये c था पॉइंट आपके पास, तो ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई ABC का क्षेत्रफल को हाफ गुने में x1 कितना है, तो सिर्फ x है, ठीक है। और 23 होता है, मतलब कि 2 - 0 आएगा भाई, ऐसे निकालते हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर रहा हूँ। x2 कितना है 1 है और 12 - 23 - 31 की बात करें तो 0 - में y होगा, ठीक है। प्लस में 7 है, 12 की बात करें तो y - 2 होगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गया, डन। चलो भाई इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, देखो इसमें क्या है, क्षेत्रफल संरेखीय, संरेखीय का क्षेत्रफल 0 ही आएगा, तो 0 हमने यहाँ पर लिख दिया, ये आ गया 1/2। यहाँ पर हम करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। 1 को गुना करेंगे तो -y आएगा, 7 को अंदर गुना करेंगे तो 7y - 14 आएगा, ठीक है, बराबर में 0 है। इस 2 को नीचे उठा के इधर 0 भेज दिया, चलो भाई ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई 2x, 7 में से y गया, प्लस में 6y बचा और बराबर में -14 आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया। इसमें क्या कर सकते हैं, 2 पूरे में कॉमन लेके ले सकते हैं, तो या फिर 14 को उठा के इधर ले आते हैं, इधर लाओगे तो 14 आ जाएगा, और इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस में 3y आ गया। इस 2 को नीचे ले आएंगे 14/2 में, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं 2 से 14 कट गया 7 पर, यानी 7 बराबर में आ गया x प्लस में 3y आ गया, x प्लस में 3y, ये 7 आ गया, ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x और y के बीच में संबंध क्या है, तो संबंध ये आया है कि x प्लस 3y करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। अब यहाँ पर देखो दे रखा है प्रश्न 13 में कि ABC मतलब कि सॉरी 3 बिंदु आपको दे रखे हैं जो संरेखीय हैं, कंफर्म कह दिया है संरेखीय, तो सिद्ध कीजिए कि x/a y/b बराबर में 1 होगा, और ये चीज़ निकाल ली है। अब संरेखीय है तो इसका मतलब फिर से इसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये चीज़ आएगा। अब हम कह सकते हैं भाई a था, b था और c था, ठीक है। तो त्रिभुज a
बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा? तो भाई वही था हमारे पास क्या, हाफ एक्स वन 23 31 और 12 23 31 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्षेत्रफल की बात करते हैं, संरेखीय है तो क्षेत्रफल होगा 0, हाफ का हाफ। एक्स वन की बात करें तो ये ए आ रहा है, वाई टू माइनस वाई थ्री मतलब बी माइनस में वाई, ये आ गया। ठीक है, एक्स टू की बात करें तो एक्स टू कितना है, 0, 0 लिखा। वाई टू माइनस वाई थ्री मतलब बी माइनस में वाई, वाई टू माइनस वाई वन होगा मतलब बी माइनस में वाई वन मतलब 0 आएगा। ठीक है, एक्स थ्री की बात करें तो एक्स थ्री एक्स, और इसमें कितना आ रहा है तो ये आ रहा है हमारे पास वाई वन मतलब 0 माइनस में वाई टू मतलब बी, जी चीज आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो नीचे वाला टू इधर आकर 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, चलो ठीक है। इधर देख सकते हैं कितना आ रहा है, तो ए बी माइनस में ए वाई, ये तो 0 ही हो गया। इधर की बात करें तो क्या आ रहा है, ये एक्स माइनस में एक्स भी आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया। इस पूरे को उठा के इस साइड ले जाते हैं माइनस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस में एक्स बी बराबर में ए बी आ गया। ठीक है, इसके इक्वल टू में वन किया था, इक्वल टू में ए बी है, तो ए बी को उठा के नीचे ले आते हैं, तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई बटे में ए बी प्लस में एक्स बी बटे में ए बी और बराबर में वन आ गया। ठीक है, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वाई बटे में बी प्लस में एक्स बटे में ए बराबर में ए। क्या यही सिद्ध करना था हमें, क्या यही सिद्ध करना था हमें भाई, एक्स बटे ए वाई बटे बी बराबर में, तो उल्टा आ गया, एक्स बटे ए वाई बटे बी इक्वल टू में वन, एक्स बटे ए बी को हमने इसके नीचे कर दिया है, ए वाई वाई बटे बी, हाँ सही है सही है, सही आ रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी एक्स बटे ए है, यहाँ पर भी एक्स बटे ए है, वाई बटे बी इक्वल टू वन, सही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये भी आपका 2020 का ही क्वेश्चन था, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं भाई किस हिसाब से क्या रखा है इसने, तो इसने क्या रखा कि ए बी सी तीन बिंदु दे रखे, त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ, मतलब पूछ रहा है क्या ये त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यदि हाँ तो इस प्रकार के प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए, मतलब अगर ये त्रिभुज बनाती है तो कौन से प्रकार का त्रिभुज है ये बताना है। तो इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए त्रिभुज कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसके लिए बता देता हूँ, पहले तो तीनों के पॉइंट लिख देता हूँ, मैं पूरी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते जाना बस। ए बिंदु आपका 3 और 2 दे रखा है, और बी बिंदु दे रखा है -2 और -3, और सी बिंदु दे रखा है 2 और 3 दे रखा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हल में आते हैं, तो पहले तो हम इसकी भुजाएँ ज्ञात करेंगे। भुजाएँ कैसे, तो ए बी अगर निकालता हूँ, ए बी की दूरी निकालता हूँ, दूरी क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन ऐसे होता है, तो 3 में से 2 गया माइनस का, यानी मैंने रूट में किया एक्स, इसमें कह सकते हैं 3 माइनस में -2 मतलब +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 माइनस में -3 मतलब +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 5 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग, ये आ गया। अब जब 2 वर्ग सेम जैसे होते हैं तो 25 25 50 हो जाएगा, 50 रूट में रहेगा तो 2 रूट 5 आ जाएगा, मतलब 5 रूट 2 आ जाएगा, या फिर 5 का वर्ग जब भी सेम दिख जाए आपको तो इसको क्या करना, इसको 1 लिख देना 5, और बाकी अंदर अगर सेम है तो ये √2 लिख दिया, बात खत्म, यानी ए बी आ गया 5 रूट 2। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं बी सी की, बी सी की बात करते हैं तो बी सी में क्या होगा, 2 माइनस में -2। ठीक है, मतलब 2 प्लस 2 आएगा, और 3 प्लस 3 आएगा, और 3 में से -3 करेंगे -3 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 4 का वर्ग प्लस में 6 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 16 प्लस में 36, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √50, और √50 को भी हमने 5 रूट 2 लिखा है ना, √50 को ही 5 रूट 2 लिखा है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 5 रूट 2। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम ए सी पे।
एसी पे आ रहे हैं, एसी की बात करें तो तीन में से दो जाएगा और यही होगा, तीन माइनस दो और दो माइनस तीन, यानी हम कह सकते हैं इसको क्या, एक का वर्ग प्लस में एक का वर्ग, यानी ये रूट दो आ गया बस, ठीक है, ये रूट दो आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें पहले तो ज्ञात करना है कि क्या ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज है कि जब भी ज्ञात करना हो तो आप इसमें उठाओ पहले बड़ी भुजा, और बड़ी भुजा जो होगी वो बाकी जो दो छोटी भुजाएं उनके योग के बराबर होगा, मतलब उनके योग से बड़ा हो, सॉरी छोटा होगा, ठीक है ना। याद रखना हमेशा जो बड़ी भुजा होती है वो बाकी जो दो छोटी भुजा होती है उनके योग से छोटा मिलेगा, या यहाँ बड़ी भुजा क्या है तो ये दोनों तो बराबर है और ये छोटी है, ये दोनों बराबर है और ये छोटी है, क्या ये हो सकता है ऐसा बराबर? तो हम देखेंगे भाई क्या पाँच रूट दो यानी बी सी ये छोटा है ए बी प्लस में ए सी के, क्या ये छोटा है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा, अगर ये कर रहा हो तो ठीक होगा। तो बी सी की बात करें तो ये कितना है, पाँच रूट दो है, और ये छोटा है किससे, ए बी कितना है, तो ए बी है पाँच रूट दो प्लस में रूट दो यानी छः रूट दो, छः रूट दो से छोटा है तो हाँ भाई है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ कहेंगे हाँ, यहाँ कहेंगे ये करने के बाद हाँ ए बी सी जैसे लिखा था ना, ए बी सी त्रिभुज बनाता है, ठीक है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज बनाता है। अब ए बी सी त्रिभुज तो बना रहा है, त्रिभुज बनाने के बाद क्या चीज़ है कि भाई किस प्रकार का त्रिभुज, इसका प्रकार क्या है, तो तुम देख पा रहे हो कि भाई ए बी और कहाँ गया ए सी जो था, ए सी ये एक का था और ये पाँच रूट दो आ गया था और ये पाँच रूट दो आ गया था, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं जब बराबर जाती है उसे क्या कहते हैं, तो भाई इसकी तो दो बराबर होगी, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज बनाती है तथा यह समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ओके। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ दे रखा है लघु उत्तरी प्रश्न के अंदर ही एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदुरुस्त है, ठीक है। अब दो बिंदु मैंने निकाले यहाँ पर क्या है, दो और माइनस पाँच है, ठीक है, माइनस दो और नौ है, ये भी आ गया, ठीक है, ये दो बिंदु आ गए। अब ये दो बिंदु जो हैं किसी एक बिंदु से, और वो बिंदु कहाँ पर है, एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु क्या होता है, तो एक्स अक्ष पे एक्स तो एक्स होता है लेकिन वाई जीरो होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो एक्स और जीरो ही लेना पड़ेगा उसे में, ठीक है। अब इसने कहा है कि ये समदुरुस्त है, मतलब इनकी जो दूरी है वो समान है, यानी अगर मैं इसे ओ मानूँ, इसे ए मानूँ, इसे बी मानूँ, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या, इसमें हम कह सकते हैं ओ ए जो बराबर है ओ बी के, ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, ठीक है। अब ओ ए ए बी के बराबर, ओ बी के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे भाई, दूरी सूत्र से लगाएंगे, तो एक्स माइनस में दो का वर्ग जो है प्लस में जीरो माइनस में माइनस पाँच, मतलब प्लस पाँच हो जाएगा, यही होगा, एक्स माइनस में दो और जीरो माइनस में माइनस पाँच, मतलब प्लस पाँच हो जाएगा, ठीक है, उसकी दूरी हमने निकाल ली। उसके बाद ओ बी की बात करें तो ओ बी कितना आ रहा है, तो एक्स माइनस में माइनस दो, मतलब प्लस दो का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और जीरो माइनस में नाइन, इसका वर्ग हो गया। यहाँ हम देख पा रहे हैं रूट से रूट कट जाएगा जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद इसको खोलते हैं तो खोलते क्या आ जाएगा, एक्स का वर्ग प्लस में दो का वर्ग माइनस में चार एक्स प्लस में पाँच का वर्ग आ गया। यहाँ की बात करें तो एक्स का वर्ग प्लस में दो का वर्ग प्लस में चार एक्स होगा और प्लस में नौ का वर्ग आ गया, डन। एक्स के वर्ग से एक्स का वर्ग कट जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं भाई चार एक्स को उठा के इधर ले आते हैं, इधर आके क्या हो जाएगा, चार माइनस का उधर आके प्लस जाएगा, तो चार एक्स प्लस में चार एक्स आ गया, ठीक है। इधर की बात करें तो दो दूनी चार और पच्चीस, मतलब यहाँ हम देख पा रहे हैं ये चार है और ये पच्चीस है, यहाँ पर दो का यहीं पर काट ही देते हैं, कट भी रहे जो कट रहा है काट देते हैं, दो के वर्ग से दो का वर्ग कट गया। अब यहाँ बचा है पच्चीस, अब यहाँ नौ का वर्ग उठा के इधर लाओगे तो नौ निम नौ निम इक्यासी आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास, डन।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई 25 में से 81 गया तो क्या बचेगा, तो 25 में से 81 गया तो बच जाएगा हमारे पास 56 माइनस का 56 बराबर में, इसमें से चार कॉमन ले लिया हमने, चार कॉमन को ले लेंगे, 8x आ गया, ठीक है, 8 को 8 × 7 = 56 सात पर कटता है, यानी हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया, -7 आ गया, यानी कि x अक्ष पर वो बिंदु कितना आ गया, O बिंदु कितना आ गया है, O बिंदु आ गया है -7 और 0, और यही आंसर है, ठीक है, यही बिंदु हमें निकालना था जो कि x अक्ष पर था, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे नोट कर सकते हो, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के चार बराबर भागों में विभाजित करना है। देखो इसमें क्या करना है, चार बराबर भागों में विभाजित करना है, वो कैसे करेंगे यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर देखो जैसे कि हमने ए बी लिखा है, यहाँ पे ए बिंदु हमें दे रखा है -2 और 2, बी बिंदु दे रखा है 2 और 8, चलो भाई ये भी ठीक है, इसके बीच में चार बराबर भाग बांटते हैं, मतलब एक बीच में कट और ये और ये, चार बराबर भागों में बट गया, ठीक है, और इसका नाम मैंने लिख दिया भाई सी डी और ई लिख दिया, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अगर हम इसमें क्या कर रखा है, चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सी की बात करते हैं। सी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं है, मध्य बिंदु है। अगर ये चार बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब इस सी के पहले वो, इससे पहले इधर दो हिस्से, इधर दो हिस्से, मतलब दो दो हिस्से, मतलब बराबर हुआ ना, सी मध्य बिंदु में हो गया। चलो भाई सी मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। तब सी के हिसाब से कहें तो सी में जो मध्य बिंदु लगाएं, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही था। तो वही चीज़ करेंगे, सी की बात करेंगे तो -2 + 2/2 आएगा और 2 + 8/2 आएगा, ये चीज आ रहा है, ठीक है ना, तब ये चलेगा। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि C का मान आ गया 0 और यहाँ पर 10/2 यानी 5, यानी C का मान हमारा ये आ गया, ठीक है। चलो भाई C हमारे पास आ चुका है 0 और 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो जो D की बात करूँ, D जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, क्यों, क्योंकि चारों बराबर भाग है, मतलब जितना बड़ा इधर भाग है उतना बड़ा इधर भाग होगा, तो डी भी ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा डी जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, डी जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु के हिसाब से कहें तो डी को हम लिख सकते हैं, डी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, -2 + 0/2 आएगा, ठीक है, डी बिंदु हमारा जाएगा -2 + 0/2 और 2 + 5/2, ये चीज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं डी का मान कितना आ रहा है, तो -2 + 0 - 2 ही होगा, यानी हम कह सकते हैं डी का मान आ रहा है -2/2, कट के -1 आएगा, तो -1 आ गया, और यहाँ पर करें 5 × 2 = 7, 7/2, यानी 7/2 आ गया, ये तो आ गया डी का मान, ठीक है। ई की बात करें तो ई जो है बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ई जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। अब ई जब बी सी का मध्य बिंदु है तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, तो ई को हम निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारे पास 0 + 2/2 और 5 + 8/2, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब 2/2 क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई का मान कितना हो जाएगा, कि 1 आ जाएगा और 8 × 5 = 13/2, ये आ जाएगा, ई का मान कितना आ गया, 1 और 13/2 आ गया। सी का मान क्या आ गया, 0 और 5 आ गया, डन। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, क्योंकि हमने इसके चारों विभाजन कर दिए, तीनों बिंदुओं बीच के निकाल दिए हैं, डी सी ई तीनों हम निकाल चुके हैं, डी ए रहा, सी ए रहा, ई ए रहा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखा बिंदु ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड के को बिंदु इसने किस अनुपात में, अब देखो यहाँ क्वेश्चन आया है भाई किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखो लिखेंगे, एक हमने लाइन खींची,
ये है ए बिंदु हमने माना माइनस तीन और दस, और बी बिंदु माना है छः और अट्ठारह, सॉरी माइनस आठ, ठीक है, माइनस आठ छः के साथ दे रखा है, और बीच में जो बिंदु दे रखा है इसको मैंने ओ मान लिया है, और ये दे रखा है माइनस एक और छः दे रखा है, और इसके बीच का जो अनुपात है उसको एक और के मान लें। जब भी अनुपात निकालना हो, जब भी अनुपात निकालना तो एक और के ही मानना है, ठीक है। चलो भाई इसके हल पे आते हैं। अब जैसे कि ये क्या आपका, ये है एक्स और वाई है, और ये है एक्स वन और वाई वन है, और ये है एक्स टू और वाई टू है, ठीक है, और ये हमने पढ़ा हुआ था ये एम वन होता था और ये एम टू होता था, इसी के अनुसार फार्मूला तो चलते थे हमारे, ऐसे चलते थे फार्मूले। चलो भाई वैसे ही करते हैं, यहाँ से अगर मैं एक्स की बात करूँ तो फार्मूला क्या था, एम टू एक्स वन प्लस में एम वन एक्स टू और बटे में एम वन प्लस एम टू, और यही फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। एक्स कितना है हमारे पास, एक्स है माइनस एक तो माइनस तीन लिखा, एम टू कितना है के, के को करेंगे माइनस तीन से गुना, एक को करेंगे छः से गुना, बटे में एम वन प्लस एम टू मतलब एक प्लस में के आ गया, ठीक है, इसको इधर गुना कर देंगे माइनस एक प्लस में के बराबर में माइनस तीन के प्लस में छः, ये चीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। इस के वाले को उठा के इधर करते हैं, एक को उठा के उधर कर देंगे, तो के को इधर लाएंगे तो के प्लस में तीन के बराबर में छः प्लस में एक आ जाएगा, यानी चार के बराबर में सात आ जाएगा, और के का मान कितना आ रहा है, सात बटे में चार आ गया, के का मान आ गया तुम्हारा सात बटे में चार आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, डन। अब के का मान सात बटे चार आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो क्या होता है, के का मान सात बटे चार है, यानी इस चार को उठा के इधर ले आओ, इसका जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया, तब हम कहेंगे तब ए बी को ओ चार अनुपात तीन में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। ए बी को जो ओ विभाजित कर रहा है वो चार अनुपात तीन में विभाजित कर रहा है, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ज्ञात कीजिए कि ये जो दो बिंदु हैं ए पी सॉरी पी बिंदु जो है वो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब इसमें अनुपात निकालना है। फिर से वही जैसा पिछला क्वेश्चन था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वो एक और के आधार पर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर भी मैंने एक रेखा खींची है जो कि लिख दिया यहाँ पर ए एक बटे दो और तीन बटे दो, ठीक है। ये बिंदु खींचा हुआ बी, ये आ गया दो और माइनस पाँच, ठीक है, और ये बिंदु दे रखा है एक बटे दो तीन बटे दो, ठीक है, ये बिंदु दे रखा है तीन बटे चार और पाँच बटे बारह। भाई ये तीनों बिंदु को हमने यहाँ पे लिख दिया बस, ठीक है, कि ए है बी है और ये पी पॉइंट है। अब इसमें अनुपात निकालना है तो हम फिर से वही एक और के मानेंगे, एक और के सेम टू सेम जैसे मानते हैं वैसे मानेंगे, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं भाई, हल की बात करते हैं, तो हल में क्या आएगा इसमें, वही फार्मूला जो लगता है हमारे पास, क्योंकि हम फिर से इसमें कहेंगे वही चीज़ एक्स वन वाई वन एक्स वाई एक्स टू वाई टू, ठीक है, और ये आपका एम वन और ये एम टू, इस तरह से चीज़ चलेगी, यही फार्मूला चलेगा। तो यहाँ पर हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स कितना है हमारे पास, एक्स की बात करते हैं तो कितना आएगा एम टू, मतलब के को करेंगे एक बटे दो से गुना, यानी के बटे दो आएगा, एक को करेंगे दो से गुना तो दो आएगा, और बटे में कितना आ रहा है एक प्लस में के आ रहा है, ठीक है। इस एक्स का मान कितना था, एक्स का मान तीन बटे चार था, तो इसको भी तीन बटे चार ही लिख लेते हैं, इसको उठा के इधर भेजा हमने, ये आ गया, इसको जब जोड़ेंगे तो के प्लस में चार आएगा बटे में दो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले तो दो से हमने इसको काट दिया, दो से इसको इससे गुना किया तो दो के आएगा प्लस में आठ आएगा, तीन प्लस में तीन के आएगा, ठीक है। इस दो के को इधर लाएंगे तो सिर्फ के बचेगा, तीन को उधर लेके जाएंगे तो पाँच बचेगा, के का मान पाँच आ गया, ठीक है, ये के का मान पाँच आ गया। अब पाँच का मतलब क्या है,
पांच का मतलब क्या है, तो पांच की बात करें तो पांच बटे में दो आ रहा है, पांच बटे में एक आ रहा है, सॉरी पांच बटे में एक आ रहा है। तो इस पांच बटे एक का मतलब क्या होता है, यहां पर के कितना है, ये पांच आ गया और ये आ गया एक आ गया, ठीक है, यानी इसका अनुपात जो आ गया है, यानी हम कह सकते हैं तब पी ए बी को एक अनुपात पांच में, एक अनुपात कितना आ रहा है, पांच आ रहा है हमारे पास, ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। ओके, एक अनुपात पांच में ये पी बिंदु ए बी को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हाँ, तो इसमें दे रखा है बिंदु तीन माइनस तीन नौ नौ को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, मतलब तीन बराबर भागों में बट रहा है। अब तीन बराबर भागों में बटने का मतलब क्या है, तो यहां पर देखो पहले मैंने एक रेखा खींची, रेखा खींची ऐसे। अब यहां हम देख पा रहे हैं पहला बिंदु आपको दे रखा है ए, तीन और माइनस तीन है, और दूसरा बिंदु है बी जो कि है नौ और नौ दे रखा है। इसको तीन बराबर भागों में बांटना है, मतलब कि यहाँ पर क्या रहा है, सी कर दिया और डी मान लिया, ठीक है, सी और डी मान लिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए सी को अगर मैं यहाँ पर सी के साथ एक्स और वाई लेता हूँ, तो सी के इधर कितने हिस्से हैं, देखो समत्रिभाजित मतलब समान तीन भागों में बांटा गया है, यानी जितना ये है उतना ये है उतना ये है। अगर सी की बात करें तो सी के इधर एक पार्ट था, इसके इधर दो हिस्से कर गए हैं, मतलब एक अनुपात दो में सी को बांटा गया है। तो यानी सी को कैसे निकाला जाएगा, तो एक अनुपात दो के अनुसार ही निकाला जाएगा। तो यहाँ से ये एक्स वाई है, ये आपका एक्स वन और वाई वन है, और ये आपका एक्स टू और वाई टू है, ठीक है, और ये आपका एम वन है और ये एम टू है। सारे मान आपको पता है तो चीज़ें निकालनी हो गई आसान, ठीक है। अब कैसे, तो यहाँ पे हल करते हैं, हल में देखते हैं, तो x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या होता है, m2 x1 होता है, मतलब दो को तीन से गुना करेंगे, तो दो को किया तीन से गुना, प्लस प्लस में एक को किया नौ से गुना, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, तो एक प्लस दो, यहाँ पर लिख सकते हैं तीन दूनी छः प्लस में नौ बटे में तीन, यानी इसको कहा जाता है नौ छः पंद्रह बटे में तीन आ जाएगा, और तीन बचे पंद्रह, यहाँ पर ये पाँच आ गया, ठीक है। तो x का मान पाँच आ गया, चलो ये बहुत बढ़िया, x का मान पाँच आ गया। दूसरी बात करें y के मान की बात करें, तो y के लिए क्या आएगा, तो y के लिए आएगा दो को करेंगे तीन से और एक को करेंगे नौ से, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया यहाँ पर दो को किया हमने तीन से माइनस का, और एक को किया हमने नौ से, और बटे में आ रखा है एक प्लस में दो, इसी आ रखिए, ठीक है। दो तिया छः मतलब माइनस छः प्लस में नौ बटे में तीन आ रहा है, इसको लिख सकते हैं तीन बटे में तीन आएगा, इसको काट दिया इक्वल टू में एक आ गया, ठीक है, यहाँ से एक मान आ गया, यानी हम कह सकते हैं वाई का मान एक आ गया है, एक्स का मान पाँच आ गया है, यानी सी बिंदु यहाँ से कह सकते हैं तब सी कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास है, एक्स का मान कितना था पाँच, यानी पाँच और एक आ गया है, ये सी बिंदु आपको क्या आ गया, पाँच और एक आ गया, इसको लिख दिया हमने पाँच और एक लिख दिए, ठीक है, पाँच और एक आ गया है। उसके बाद की बात करूं तो बाद में सी और बी, सी और ये जो बी बिंदु है, इन दोनों का मध्य बिंदु तो डी होगा, क्योंकि हमें मालूम है ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, तो डी जो है वो सी बी का मध्य बिंदु है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी सी बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, डी जो है वो सी बी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु होने के कारण से जो डी के जो निर्देशांक जो होंगे, इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या आएंगे, तो इसके मैं कर दूँ एक्स वन वाई, ये जो ले ही रखा था इसको एक्स तीन और वाई तीन ले लिया हमने, ठीक है, एक्स तीन वाई तीन ले लिया। एक्स तीन के मान की बात करूँ तो एक्स तीन कैसे निकालेंगे, तो ये आपका निकलेगा क्या, पाँच प्लस में नौ बटे में दो आएगा, पाँच प्लस, क्योंकि ए सी और बी का ही तो मध्य बिंदु है, तो पाँच प्लस में नौ बटे में दो आएगा, पाँच प्लस में नौ बटे में दो यानी चौदह बटे में दो यानी कि सात, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स तीन का मान जो आ गया वो सात आ गया, ठीक है, एक्स तीन का मान सात आ गया, डन। उसके बाद हम बात करते हैं भाई वाई तीन के मान की, तो वाई तीन के मान की बात करें तो कितना आएगा, तो वाई तीन जो है ये आपका आने वाला है, कितना आने वाला है, वाई तीन की बात करें तो एक प्लस में, सॉरी एक प्लस में नौ बटे में दो आएगा, भाई वाई तीन तो वही आएगा,
एक प्लस में नौ बटे में दो यानी दस बटे में दो यानी कि पाँच आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं वाई तीन का मान जो आ गया वो पाँच आ गया। और इससे जो हमारा निर्देशांक डी आया है, डी जो आया है वो कितना आया है, सात और पाँच आ जाता है, ठीक है, और ये आंसर आ गया। मतलब यहाँ पर जो त्रिभाजित किया जा रहा है वो किसके किसके द्वारा किया जा रहा है, तो पाँच एक और सात पाँच, ये दो बिंदु इनके द्वारा त्रिभाजित किया जा रहा है, ठीक है, सम त्रिभाजित किया जा रहा है, समान तीन भागों में बांटा जा रहा है। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, बिंदुओं पाँच माइनस छः माइनस एक चार को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो इसने क्या कहा है, वाई अक्ष जो है वो इनको विभाजित कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, मतलब अनुपात भी ज्ञात करना है और बिंदु भी ज्ञात करनी है। अब तुम्हें मैं बताऊं, जैसे कि एक रेखा तुम्हें दे रखी है इस तरीके की, ए बिंदु है पाँच और माइनस छः, और बी बिंदु हमारे पास है माइनस एक और चार, बीच में कोई सी बिंदु काट रही है, लेकिन वो बिंदु कौन से अक्ष पर है, तो वो है हमारा वाई अक्ष पर। और वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु जो होता है उसमें वाई तो होता है लेकिन एक्स जीरो होता है कन्फर्म, ठीक है, तो वाई अक्ष पर है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स जीरो और ये वाई आ जाएगा, ये चीज़ आपको दे रखा है, ठीक है। इसका अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात के लिए एक अनुपात के आएगा, भाई जब भी लो तो एक और के ही लेना है, जब भी अनुपात ज्ञात करना हो, ठीक है। चलो भाई इसके हल पे आते हैं, तो हल की बात करते हैं, तो हल में क्या आ रहा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं, देखो इसमें भी वही चीज़ें लिख लेंगे, कैसे कैसे, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है, ठीक है, और ये आपका एम वन है और ये एम टू है, यही जो जो फॉर्मूले में डलता है वो चीज़ हमने यहाँ पर नोट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ से हम x की बात करें तो x बराबर में क्या आएगा, तो x बराबर में तुम्हारा आएगा k को करना, या फिर लिख दूँ मैं एम टू एक्स वन प्लस में एम वन एक्स टू बटे में एम वन प्लस एम टू आएगा, और यही आता है। x का मान जीरो है, एम टू कितना है, k को हम गुना करेंगे पाँच से, तो पाँच के, एम वन एक है, एक को गुना करेंगे एक से, माइनस एक से करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, एक प्लस में के आ रहा है, इसको उठा के जीरो की तरफ लेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसको ये पूरा जाके जीरो ही हो जाता है, बराबर में पाँच के माइनस में एक आ रहा है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो एक बराबर में पाँच के आ जाएगा, और के का मान कितना आ गया, एक बटे में पाँच आ गया, के का मान कितना आ गया, एक बटे में पाँच आ गया। अब के का मान अगर एक बटे में पाँच आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एक है और यहाँ पर पाँच, जब भी एक बटे पाँच आएगा, के नीचे एक बटे पाँच लिखा, जो नीचे वाला उसको उधर भेज दो, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक पाँच, यानी पाँच अनुपात एक में काट रहा है, यानी हम कह सकते हैं सी ए बी को पाँच अनुपात एक में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है भाई। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई सी जो है वो ए बी को पाँच अनुपात एक में विभाजित करता है, ये डन हो गया। उसके बाद इसने कहा है कि इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने, मतलब वाई का मान भी निकालना है। अब देखो तुम्हें अनुपात पता चल गया है, अब तुम वाई का मान ज्ञात कर सकते हो, इतना को तो आप पहले नोट कर लो, उसके बाद हम चलो हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। यहाँ पर पानी इसी पेज पे करेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम निकालते हैं वाई का मान, ठीक है। चलो भाई अब तुम्हारे पास जो आ गया है वो क्या आ गया है, अब आ गया है पाँच अनुपात एक आ गया है आंसर, ठीक है, पाँच अनुपात एक आ गया है, ये एम वन आ गया और ये एम टू आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे वाई निकालना है तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, तो वाई के लिए मैं करूँगा एक को करेंगे पाँच से गुना, पाँच को करेंगे सॉरी एक को पाँच से गुना नहीं करेंगे, एक को गुना करेंगे माइनस छः से, क्योंकि वाई है ना तो वाई से करना पड़ेगा, पाँच को करेंगे चार से, और बटे में आ जाएगा एक प्लस में पाँच आएगा, ठीक है। यानी हम इसको कह सकते हैं माइनस छः प्लस में बीस बटे में छः आएगा, और इसको कह सकते हैं बीस में से छः गया चौदह बटे में छः आएगा, इसको हमने काटा तो ये तीन आएगा और ये सात आ जाएगा, यानी सात बटे में तीन आ गया, ठीक है। वाई का मान जो आ गया वो आ गया सात बटे में तीन, डन, वाई का मान सात बटे तीन आ गया। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, वाई का मान सात बटे तीन आ गया, तो सी बिंदु तब
सी कितना आ गया, 0 और 7/3 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, जो निर्देशांक थे वो ये आ गए हैं, अनुपात जो था वो 5:1 आंसर आया था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा त्रिभुज ए बी सी, भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः इतने इतने हैं, ए के निर्देशांक ये दे रखे हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसने क्या क्या कहा, इसको यहाँ पर लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में ही आ रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसने कहा है ए बी और ए सी का के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, जो कि इसको माना डी है, और ये मध्य बिंदु आपको दे रखा है 2 और -1 दे रखा है। ठीक है, चलो भाई उसके बाद क्या चीज़ दे रखा है भाई, ए सी का मध्य बिंदु मतलब इसका मध्य बिंदु, सॉरी इसने डी नहीं, इसने लिखा हुआ ई है, इसने लिखा हुआ है ई, ई हो गया। ए सी का मध्य बिंदु जो वो एफ है, जो कि 0, 1 है, ये 0 और -1 है। ठीक है, ये हो गया। और दे रखा है ए के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 4, मतलब ये दे रखा है 1 और -4। ठीक है, अब इसने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो एक तो तरीका ये है कि पहले बी सी निकालो और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, डन। एक और तरीका ये है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होता तो कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो ये चारों इक्वल एरिया होते हैं, ये एरिया चारों इक्वल होते हैं, चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी कि अभी अगर तुम ए ई एफ का क्षेत्रफल निकाल कर उसको 4 से गुना कर दोगे तो वो ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा जो कि इसको निकालना था। तो हम डायरेक्टली वही करेंगे, पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सबका क्यों निकालें, एक को निकाल के 4 से गुना कर देंगे, डन। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपका एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है, और ये एक्स थ्री है और ये वाई थ्री है। इस अनुसार इसको हम हल करेंगे। तो ठीक है भाई, हल में आते हैं, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है ये बराबर होगा 4 गुने में त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल, भाई ये चीज़ होने वाला है, 4 गुने में होने वाला है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, तो भाई ए बी सी का क्षेत्रफल 4 गुने में ये है, तो यहाँ से हम निकालते हैं त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल, भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हाफ होगा। ठीक है, और उसका 23, 31, 12 वही फॉर्मूला लगता जाएगा। तो एक्स वन कितना है, 1 है, वाई टू कितना दिख रहा है, -1, -1 हो जाएगा, एक्स टू कितना है, 2, 31 चाहिए मतलब -1, और -1 मतलब +4 हो जाएगा, प्लस में 12 चाहिए मतलब कि एक्स थ्री 0 आ गया, अब 12 में क्या आ जाए तो 1 -2 आएगा, सॉरी -4 + 1 आएगा, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ रहा है, तो ये कट के 0 हो गया। ठीक है, ये तो 0 हो ही गया, 4 में से गया 3, 3 × 2 = 6 मतलब हमारे पास कितना आ रहा है, 1/2 × 6 आ रहा है जो कि आ रहा है 3, भाई 3 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ए एफ का, अब मैं यहाँ से निकालता हूँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा 3, 4 × 3 होगा, देखो 4 से गुना होने वाला है ना, 4 × 3 यानी कि 12 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल पूरे ए बी सी का क्षेत्रफल आ रहा है वो 12 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो यही चीज़ें होती है कि आपको क्वेश्चन करना है शॉर्टकट अंदाज में, मतलब छोटे से छोटे में इसको सॉल्व करना है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हमने यही किया, एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसको 4 से गुना किया, हो गया यहाँ पे। अगर वैसे कंप्लीट करना होता तो यहाँ से हम पहले ये बिंदु निकालते, यहाँ से ये बिंदु निकालते, दोनों बिंदुओं से निकलने के बाद फिर हम इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते, तब जाके आंसर आता। ठीक है, चलो भैया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि भाई के किस मान के लिए बिंदु ये तीनों जो हैं एक रेखा में होंगे, मतलब एक रेखा का मतलब समरेखी, एक रेखा का मतलब समरेखी होगा। चलो भाई ठीक है, देखते हैं यहाँ पे।
हल आते हैं तो इसमें देख सकते हैं भाई, संरेखी का मतलब क्या होता है? तो संरेखी की बात करें तो भाई इसका क्षेत्रफल जो होगा जीरो होगा, या फिर दो बड़ी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर होगा। तो फिलहाल यहाँ पर के लिखा हुआ है तो बड़ी छोटी भुजा हम देख नहीं सकते, तो हम क्षेत्रफल पर जाएंगे। ठीक है, चलो भाई क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको माना ए, ये है बी और ये है सी, यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो जीरो के बराबर होगा। डन। अब यहाँ हम देख सकते हैं भाई ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर ये आएगा एक बटे दो, यहाँ पर x1 कितना आता है k, ठीक है, और 23 आएगा, मतलब एक माइनस में पाँच, एक माइनस में पाँच आएगा। फिर आएगा x2 31, मतलब पाँच माइनस में एक, माइनस एक मतलब प्लस एक हो जाएगा। ठीक है, और फिर चार और बारह कहेंगे तो बारह के लिए क्या आ जाएगा, माइनस एक माइनस में एक। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास, और इसके बराबर में जीरो आना है। इसको अगर हम सॉल्व, देखो दो को उठाकर जीरो की तरफ भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस फोर क्या आएगा, प्लस में कितना आ रहा है, छः दुनी बारह आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है तो चार दुनी आठ, माइनस आठ आ रहा है, बराबर जीरो। यहाँ हम देख सकते हैं भाई क्या चीज़ आ रही है, तो ये बचा चार, मतलब चार माइनस चार के बराबर जीरो है। इसको उसी तरह दूसरी तरफ भेजेंगे तो चार बराबर में चार के आ जाएगा, और के का मान आ गया एक, के का मान एक आ गया। यानी यहाँ पर हम कहते हैं के किस मान के लिए ये संरेखीय होगा, तो के का मान अगर एक होता है, के का मान अगर एक होता है तो ये तीनों बिंदुएँ क्या होगी, एक ही रेखा पर होगी और संरेखीय होगी। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो होते हैं कंप्लीट। यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अभी तक जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उसको हमने देख लिए भाई, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का पैटर्न था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट में ही आता ना, बहुत ईजी है, कुछ क्वेश्चन ईजी भी पूछ लेते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से घुमा के डिफिकल्ट तक भी लेके जाते हैं। तो हर तरह के कंसेप्ट को यहाँ पर लेके चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसी तरह के पैटर्न पर, इसी पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आएंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, जो कि आगे आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। और बिल्कुल कहते हैं ना, इस तरह से ही डिजाइन किया जाएगा कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, चलो भाई बाकी मैं इसके बाद आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होता। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर किसका फायदे क्या है, इसके फायदे ये हैं कि भाई इसमें सारा डाटा, जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, सारे सिस्टमेटिक वे में हैं। जैसे कि कई बच्चों के कमेंट आते थे कि भाई यूट्यूब पर क्या होता है कि कोई भी वीडियो देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, कोई वीडियो में बहुत सारी भीड़ आती है, भाई कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा था भाई इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि इसका कंसेप्ट वीडियो भी देख लेना। तो कंसेप्ट वीडियो के लिए क्या है, आप इसके कंसेप्ट वीडियो को यहाँ पर भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे आप कंसेप्ट वीडियो को, तो भाई वही सब सारा डाटा सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे कि आप लॉग इन करते हैं यहाँ पर, आते यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड सारे अवेलेबल हैं। जैसे आप हिंदी मीडियम हैं, आपने हिंदी मीडियम पे क्लिक किया, क्लिक करते ऐसा कुछ खुल जाएगा, आपने 10th क्लास को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते आप यहाँ पर देखोगे कि डिफरेंट टीचर, जितने जितने टीचर्स हैं सारे 10th क्लास के आपके टीचर्स हैं, जो कि बहुत ही उम्दा हैं, अच्छे हैं टीचर्स पढ़ाने में, जो कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और देते रहेंगे। यहाँ की बात करूँ कि जैसे कि आपको करना था कंसेप्ट वीडियो देखनी थी मैथ्स की, वो तो उसमें आप मेरे यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ही सारे लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी चैप्टर हमने करवाए हैं सारे सारे आपको सामने यहाँ विजुअल जाएंगे। आप उस चैप्टर पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और उसके अंदर टॉपिक भी बहुत सारे हैं, कंसेप्ट वीडियो, NCERT सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप देख पाएंगे और उसको देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था, इस क्लास को देखने से पहले वो वीडियो देखना चाहिए, देखना आपको सही रहेगा। अगर आपके कंसेप्ट ठीक नहीं है तो वहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर में कहीं से भी होता है तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हो और उसकी वीडियोज़ देख सकते हो। और जैसे आप क्लिक करोगे ऐसा कुछ वीडियो प्ले हो जाएगा। ठीक है, वीडियो प्ले हो जाएगा तो आप बड़ी आसानी से इसको देख सकते हो। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन का यूट्यूब चैनल भी है, जिसके अंदर यूट्यूब चैनल पर जैसे कि आप वीडियो देख ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर ही देख रहे हैं, तो ये यूट्यूब चैनल में रेगुलर क्लासेस चलती रहती है। और रेगुलर क्लासेस जो चलती रहती है तो यहाँ पर आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, कम्युनिटी पोस्ट में, कम्युनिटी के अंदर पोस्टेज चेक करने पड़ेंगे कि किस क्लास की कौन सी टाइमिंग है, किस टाइम पर कौन सी क्लास होने वाली है, जिससे कि आप रेगुलर रहेंगे और पंक्चुअल रहेंगे। अगर आप रेगुलर रहते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, तो आपकी तैयारी होने वाली है बेहतरीन, और बेहतरीन होगी तभी होंगे नंबर आपके बेहतरीन। ठीक है, चलो
भाई। और बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट बैंड ने हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं छठी से बारहवीं कक्षा तक के लिए, तो यहाँ पर आपके रिलेटिव में, जान पहचान में, क्लासमेट्स में जो भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, ठीक है, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनका भी फायदा हो। आपका तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही में उनका फायदा भी हो तो भी बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय।